दोस्तों नमस्कार, मैं दीप्ति बिष्ट एक बार फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों देख रहे हैं आज एक लेडीज़ बढ़िया तरीके से स्कूटी चला रही हैं। तो दोस्तों मैं बता दूँ, इन्होंने अपनी नई स्कूटी ली है हीरो की डू इट स्कूटी ली है इन्होंने। तो बहुत अच्छी स्कूटी है, अच्छा रिस्पॉन्स है उसका, और पहले सीखने आई हुई थी। डर लगी थोड़ी सी बट चलेगी आगे। पहले सीखने आई हुई थी, बहुत बढ़िया तरीके से चलाने लग गई थी। अभी लगभग इन्होंने धनतेरस में स्कूटी निकाली है नई, तो हेल्प मांगी तो मैं स्कूटी सिखाने के लिए आ गई इनको। और आज लगभग अप्रॉक्स आधे साल बाद स्कूटी पकड़ी इन्होंने, एक साल बाद स्कूटी चलाई। तो देखिए फर्स्ट राउंड में ही बढ़िया तरीके से चलने लगी हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अपलोड करने के पीछे मेन इंटेंशन क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, इससे कि पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों देखिए स्कूटी आ रही है हमारी आराम आराम से, देखिए ट्रक के पीछे से आराम आराम से चला के ला रही हैं, बढ़िया तरीके से बैलेंस बन रहा है। थोड़ा सा स्कूटी झूल रही है, देखिए झूल रही है हल्की सी। देखिए स्टार्टिंग में आप सभी लोगों के साथ भी ये दिक्कत होती ही है, तो आराम आराम से ये देखिए गाड़ी झूल रही है। स्टॉप, ब्रेक दबाया, स्टॉप करा, फिर गाड़ी को बैक करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं बात कर रही थी कि ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ दोस्तों कि जो भी स्कूटी एक बार सीख लेते हो, सीख गए हो, कई बार क्या होता है कि हमने स्कूटी छोड़ दी चलानी। जैसे एक सब्सक्राइबर है मेरी फाहिमा जी हैं, कहाँ से, मैसूर से बिलोंग करती हैं। तो उन्होंने क्या देखा था, स्कूटी को एक्सीडेंट होते हुए देखा किसी की, यूट्यूब की वीडियोस देख के उनको काफ़ी हेल्प मिला और मेरे से बात की उन्होंने, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उनको मेरे से बात करने के बाद, और स्कूटी बढ़िया तरीके से चलने लगी थी उनकी। लेकिन एक्सीडेंट देखने के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया और उन्होंने स्कूटी चलानी छोड़ दी थी। देखिए स्कूटी को टर्न करके बढ़िया तरीके से ले आएंगी, टर्न कर लिया। तो स्कूटी चलानी छोड़ दी थी तो उनका कॉल आया था बीच में मेरे लिए कि दीप्ति मैम मेरा स्कूटी का जो बैलेंस बन चुका था मैं सब भूल गई हूँ, स्कूटी चलाने लगी थी मैं, अपने बच्चों को लाना ले जाना पूरा कर ले रही थी, लेकिन जब से मैंने एक्सीडेंट देखा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया। तो फाहिमा जी मैं इस वीडियो के द्वारा ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप स्कूटी दोबारा से पकड़ेंगी तो स्टार्टिंग में मे भी गाड़ी थोड़ा सा जैसे इनकी झूल रही है ऐसे ही झूलेगी, लेकिन एक घंटा चलिए, दो घंटा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, तो नॉर्मल जो रूटीन आप रेगुलर चलते रहोगे तो रेगुलरिटी रखने से क्या होगा, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आप रेगुलर स्कूटी चलाते रहिए और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। बाकी रोड में अगर गाड़ी चल रही है, अगर हम रोड में पैदल चल रहे हैं तो पैदल भी कोई घटना हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हम बढ़िया पैदल में भी सेफ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रख के चलिए। बाकी रोड में, सड़क में डेली कितने दुर्घटनाएं होते रहती हैं तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए और लगातार चलते रहिएगा। रेगुलर रहने से काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको,
और जितने भी मेरे दोस्त वीडियो देख रहे हैं, मेरी बहनें वीडियो देख रही हैं, सबसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आप स्कूटी सीखें और उसके कुछ टाइम तक स्कूटी नहीं ले सकते हैं, कंडीशन आती है कि यार मैं सीख तो लूँ लेकिन स्कूटी अभी मेरा बजट नहीं बन पा रहा या मैं स्कूटी अभी नहीं लूँगी तो मैं बाद में भूल जाऊँगी, तो सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि भूला नहीं जाता है। आप स्टार्टिंग में मान सकती हूँ, स्टार्टिंग देखिए इनका फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा गाड़ी झूल रही थी, अभी बहुत अच्छा रिस्पांस है, बढ़िया रिस्पांस, देखिए वेरी नाइस। जहाँ पे आपको डर लगती है, दिक्कत होती है, पाँव का सहारा ले लीजिएगा, बहुत अच्छा रिस्पांस है। नई स्कूटी ली है इन्होंने, डू इट हीरो की, जो बहुत अच्छी स्कूटी है। तो दोस्तों देखिए देखिए गाड़ी थोड़ा सा, एक पैर भी प्रॉपरली टच नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा गाड़ी वेटेड है। मेरी यामाहा की रेजर हल्की गाड़ी थी, उसमें सीखा था इन्होंने। हाँ थोड़ा सा ऐसे सबके साथ होता है, आप में से कई लोगों के साथ ये दिक्कत आती होगी तो कॉन्फिडेंस डाउन होता होगा, तो इससे कॉन्फिडेंस डाउन मत करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, कंटिन्यू चलिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और स्कूटी सीखने के बाद एक बार सीख ली तो भूलते नहीं हैं। तो दोस्तों वीडियो अपलोड करने का मेन इंटेंशन यही था, और स्पेशली फॉर फाहिमा जी, आप चलाते रहिए, रेगुलर चलिए, बहुत जल्दी एक अच्छे राइडर दोबारा से बन जाओगे आप। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।